हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्टडी आई जुडिशरी दिस इज मी वासुदेव मोंगा रिसेंटली हमने तीन चार दिन पहले एक लैंडमार्क जजमेंट को कवर किया था रिगार्डिंग द डिफॉल्ट बेल जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो वो आपका पीरियड दिया गया हुआ है सेक्शन सेक्शन 167 167 में 167 -2 में ऑफ द सीआरपीसी डेज डेज एंड वो यहां पे जिस दिन यहां पे को कस्टडी में भेजा जाएगा यानी कि जिस दिन रिमांड में भेजा जाएगा दैट डे विल आल्सो बी इंक्लूडेड काउंटिंग दो सिक्सटी और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सी अब यहां पर मेन आपका जो लॉ क्या है डिफॉल्टेल आपका क्या बताता है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी यहां पर पनिशमेंट दस साल से कम है उसमें सेक्शन 167 सिक्सटी 2 क्या बोलता है कि अगर आपने 60 डेज में पुलिस ने अगर 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की और यहां पे एक्यूज यहां पे जेल में है तो भाई साहब 60 डेज हो चुके हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो यहां पे आफ्टर 60 डेज एक्यूज को यहां पे डिफॉल्ट बेल का राइट right मिल जाएगा दैट इज एन ऑटोमेटिक राइट वो यहां पर बेल को फर्निश करके अपने घर पर जा सकते हैं ट इज इज एबसोल्यूटली राइट एबसोल्यूट राइट अब यहाँ पे थोड़े दिन पहले हमने जो जजमेंट देखी थी उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे बट अब यहाँ पे कम्प्लीट यह हो रहा है एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नोस कि कल तक अगर हमने यहाँ पे इनको यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट नहीं दी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं दी तो एक राइट मिल जाएगा डिफॉल्ट बेल का तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऑन द लास्ट डे लास्ट डे यहां पे पुलिस ऑफिसर यहां पे पुलिस रिपोर्ट को दे देते हैं और जो देने का मेन मकसद क्या होता है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन तो पूरी नहीं हो पाई बट एक रिपोर्ट दे आओ सो डेट यहां पे एक्यूज को डिफॉल्ट बेल का राइट ना मिले उसके राइट को डिप्राइव करने के लिए जानबूझ के उसी दिन यहां पे पुलिस रिपोर्ट दी जा रही है

कंप्लीट नहीं किया था चार्जशीट आपने यहां पे लगा दी कैन नॉट बी फाइल बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ओनली टू डिप्राइव एन एक्यूज ऑफ इज राइट टू डिफॉल्टे अंडर सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी अब रिसेंटली यह जजमेंट आई है दिस इज अंडमार्क जजमेंट ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जजमेंट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी ये वीडियो को देख सकते हो लैंडमार्क जजमेंट ऑन द डिफॉल्ट अभी यहाँ पे तीन चार दिन पहले इस जजमेंट को कवर किया गया पूरा प्रॉपरली थॉर इस जजमेंट में बोला क्या गया था सेम पॉइंट कि जिस दिन अगर ये जिस दिन एक्यूज को रिमांड में भेजा गया आज अगर आपने इसको अरेस्ट किया और यहां पे कस्टडी में डाल दिया मैजिस्ट्रेट के पास गए मैजिस्ट्रेट ने कस्टडी में बोल दिया कि ठीक है रिमांड ऑर्डर दिया आपको अब जिस दिन यहां पे भेजा गया क्या उस दिन को इंक्लूड किया जाएगा या एक्सक्लूड किया जाएगा इन काउंटिंग द और इनकाउंटिंग डेज जो सेक्शन सेवन क्रॉस टू ऑफ सी आर पी सी बोलता है कि अगर 10 साल से कम वाला ऑफेंस है तो भाई 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अगर 10 साल से ज्यादा वाला ऑफेंस है तो 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अब इस जजमेंट में ये क्लियरली बोल दिया गया लैंडमार्क जजमेंट ऑन दिस पॉइंट दैट दिस पर्टिकुलर डे विल बी इंक्लूडेड जिस दिन उसको कस्टडी भेजा गया उस वो डे होगा और जिस दिन ये सिक्स डे आ गया उस दिन तक अगर यहां पे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल नहीं की गई देन द एक्यूज विल बी हैविंग अ राइट टू डिफॉल्ट अब यहां पे आज के जजमेंट में क्या हुआ कि देखो ये जो डे था या फिर डे था उसी दिन जानबूझ के इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यहां पे अगर मैजिस्ट्रेट को दे रहे हैं दैट मीनस वो कर क्या रहे हैं दे आर जस्ट टेकिंग द राइट ऑफ द डिफॉल्ट बेल अवे कि भाई जो एक्यूज को राइट right मिलने वाला था डिफॉल्ट बेल का वो उसको ना मिले पर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि भाई साहब सी डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ द दी आर पी सी एंड अमेंडमेंट बीन ब्रॉट आउट इन द सेक्शन सेल द बेंच नोटेड दैट इफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फाइल्स विदाउट कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन द सेम वुड नॉट बी एक्सटिंग से राइट ऑफ द एक्यूज टू गेट अ डिफॉल्ट बेल को अभी भी यहां पे डिफॉल्ट बेल का राइट right मिलेगा अगर आप इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल कर रहे हो जस्ट टू डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट टू डिफॉल्ट बेल इट फर्दर द ट्रायल कोर्ट इन सच केसेस कैन नॉट कंटिन्यू टू रिमांड द अरेस्टेड पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड पीरियड विदाउट ऑप्टिंग अरेस्टेड द डिफॉल्ट बेल आप उसको उसके ज्यादा यहां पे अरेस्ट नहीं रख सकते उसको यहां पे जेल में नहीं रख सकते क्लियर हो गई बात नाउ दिस जजमेंट अब इसके साथ ये जो जजमेंट है आपकी इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट वर्सेस कपिल वधवान लैंडमार्क जजमेंट है मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपको जितने भी मेंस के एग्जाम आने वाले हैं स्पेशली अभी पंजाब का मेंस आने वाला है यूपी का मेंस आने वाला है ये जजमेंट यहां पे 101 परसेंट आपको 20 नंबर में देखने को मिल सकती है लगातार डिफॉल्ट बेल के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है और ये लैंडमार्क जजमेंट बन चुकी है और आज का जो ये कंसेप्ट है दैट इनकेस

उंट कोडी देव आपको, आपको यूज करना होगा देव एंड यू कैन बाय दिसन एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड अगर आप एक ही स्टेड की तैयारी करना चाहते हो देन यू कैन बाय द स्मार्ट कोड्स ओनली नाइन थाउजेंड ट्रिपल नाइन बट कोड याद रखना आप डी ईवी देव यही कोड आपको यूज करना है फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑलराइट देन थैंक यू सो मच आई विल सी यू द नेक्स्ट क्लास विद विद मोर जजमेंट